हेलो फ्रेंड्स, पेंट वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत। और आज फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 10 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी यूज़ की हो। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है, कहीं ना कहीं आपके बहुत ही काम आएंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं आपको बताऊंगा उन ऐप्स के बारे में। यहाँ पे जो पहले नंबर पे एप्लीकेशन आती है फ्रेंड्स, उसका नाम है ब्रेव ब्राउजर। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लुक गूगल क्रोम जैसे है, सेम टू सेम, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलेंगे। आप सेटिंग के अंदर जाके, प्राइवेसी के अंदर जाके, यहाँ पे आप सेफ ब्राउजिंग की ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। ट्रैकिंग और प्रोटेक्शन मोड मिलता है इसके अंदर आपको, और यहाँ पे एड ब्लॉक की ऑप्शन भी इसके अंदर मिलती है। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह पॉपअप होते हैं, तो इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन भी है और बहुत ज़्यादा सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। ये आपका डाटा बहुत सेव करता है, बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ये ब्राउज़र या एप्लीकेशन अच्छी लगी, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन आती है, इसका नाम है MK फाइल मैनेजर। अगर आप MK फाइल मैनेजर लिख के गूगल प्ले स्टोर के ऊपर फाइंड करोगे, वहाँ पे आपको ये फाइल मैनेजर मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फाइल मैनेजर, सिंपल सा है। और इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके फ्रेंड्स आप इसका कलर वगैरह सारे का सारा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर वगैरह, टेक्स्ट कलर, बार कलर चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको, अगर आपका फ़ोन रूट है, यहाँ पे रूट असेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, तो पूरी की पूरी तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। यहाँ पे आप आइकॉन वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो अंदर फाइल्स वगैरह हैं, उन फोल्डर वगैरह के आइकॉन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फाइल मैनेजर है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है सर्कल साइड बार। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन आपको मल्टीटास्किंग के अंदर हेल्प करता है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन वगैरह सेट कर सकते हो, आपको ईजी हो जाता है उन एप्लीकेशन को यूज़ करना। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और यहाँ पे अपने हिसाब से इस एप्लीकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, और अपने हिसाब से इसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह सेट कर सकते हो जिनको आप जल्दी कभी भी यूज़ करना चाहते हो। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है बबल कीबोर्ड। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। इसके अंदर आप खुद का फेस यूज़ करके बहुत सारे स्टिकर वगैरह बना सकते हो, अगर और किसी को भी सेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, बस जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये कीबोर्ड अनेबल करना पड़ेगा सेटिंग के अंदर जाके, और उसके बाद में आप ये कीबोर्ड ओपन वगैरह करोगे तो इसके अंदर अपनी खुद की सेल्फी लेके आप अपने ही यहाँ पे स्टिकर वगैरह, अपने फेस के स्टिकर वगैरह बना सकते हो यहाँ पे, और गिफ्ट फाइल वगैरह, एनिमेशन फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे बना सकते हो। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है एलआई मूवी मेकर। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मूवी मेकर एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप खुद की इमेज वगैरह यूज़ करके कोई भी मूवी क्लिप बना सकते हो, और उसके अंदर म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फिल्टर हैं इसके अंदर, उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और इसके अंदर यहाँ पे फीचर वगैरह, यहाँ पे फिल्टर वगैरह बहुत ही अलग अलग फिल्टर है, यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर सकते हो, कोई भी म्यूजिक यहाँ पे आप खुद का ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, अलग अलग फॉन्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह के स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और यूज़फुल एप्लीकेशन, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बीच आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलेंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है स्वाइप फॉर फेसबुक। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, लाइट वेट में बनाया गया है। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बैटरी बचाती है आपके फ़ोन की। और इसके सेटिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह अनेबल कर सकते हो,
यहाँ पे इसके अंदर आपको थीम वगैरह के ऑप्शन मिलेगी, अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो फेसबुक को, रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो व्हाट्सएप जैसे, और नाइट थीम यूज़ कर सकते हो, ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे ऐड वगैरह भी स्पॉन्सर पोस्ट ऐड वगैरह भी आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और लाइट वेट बनाया गया है। अगर आप ओरिजिनल फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपका फ़ोन हैंग होता है या कम रैम का फ़ोन है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और आपको मैसेंजर वगैरह भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए। और ये एप्लीकेशन आपका बहुत ज़्यादा, आप नीचे ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं यहाँ पे पावर सेविंग मोड में, तो आपका बहुत ज़्यादा बैटरी बचाएगा। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आपको अच्छा लग रहा आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है ग्रेविटी स्क्रीन। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मान लो कि अगर आपके फ़ोन का होम स्क्रीन बटन ख़राब हो चुका है या आप कम यूज़ करना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते करते अपना फ़ोन साइड में रख देते हो, तो अपने आप आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाएगी, और फिर से अगर आप आपका फ़ोन उठाते हो, तो आपका फ़ोन फिर से आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अगर आप आपका फ़ोन पॉकेट के अंदर भी अपने डाल लेते हो, तो फिर भी आपके स्क्रीन अपने आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाएगी, और फिर से निकालते हो तो अपने आप ऑन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है मिस्टर फोन। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको टेक न्यूज़ मिलती रहेंगी, फ़ोन रिलेटेड कोई भी नया फ़ोन आया या नहीं आया, आप यहाँ पे किसी भी फ़ोन को किसी भी फ़ोन के साथ कंपेयर कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर है, और किसी भी फ़ोन के बारे में आप पूरी नॉलेज जानकारी ले सकते हो इसके अंदर, कि उसकी रैम कितनी है, कैमरा कितना है, जो नया फ़ोन आया उसके अंदर है। इसके अंदर आपको सभी जानकारी मिलेगी हर फ़ोन की, जो ओल्ड फ़ोन है उनके बारे में भी, जो नया फ़ोन मार्केट में आया है या आने वाला है उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी, कौन सा GSM वगैरह है, CDMA है, माइक्रो सिम है, या कुछ भी फुल जानकारी मिलेगी इस एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और उसका प्राइस वगैरह भी आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, पता लग जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस एप्लीकेशन को भी आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है रीमिक्स लाइव। ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। मान लो अगर आप किसी साउंड क्लिप को या वॉइस क्लिप को रीमिक्स करना चाहते हो, उसके अंदर साउंड इफेक्ट देना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है टैपिट। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप खुद के वॉलपेपर बना सकते हो, तो अलग अलग पैटर्न के अंदर और अलग अलग कलर के अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप आपके खुद के भी कलर जो आपको अच्छे लगते हैं उसके हिसाब से वॉलपेपर बना सकते हो, हाई क्वालिटी का वॉलपेपर होगा। और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप पर डे कौन सा वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो, कि अपने आप कल अपने आप जो वॉलपेपर आप सेट करोगे कि कल ये वॉलपेपर अपने आप लग जाए, और अगर आप दिन में बार बार वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो वो भी आप ऑप्शन इसके अंदर सेट कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी 10 एप्लीकेशन जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के